hello everybody i hope you have enjoyed my previous video of geometrical safe sudoku now today i'm here to tell you the trick how i'm solving the sudoku very quickly with the help of today's trick you all will be able to solve any sudoku very very easily and very fast so let's get started i'm doing a 9 by 9 sudoku, a number sudoku, and a mathematical game sudoku. Now, children, listen here and see it very carefully. How to fill the sudoku very very fast. You know, sudoku is basically of mathematical digits. So for this 6 by 6 grade, I will be given 6 digits. Suppose I am given 2, 3. 5 6 1 2 3 4 7 and 8 suppose with the help of these six digits i have to fill the sudoku see what is the rule no digit will be repeated over here and no repetition will be in the column or row and one more thing sum of all these will be same sum of all these rows will be same thus see look here the sum of these digits is 31. Alright. If I will fill it very quickly and you will see every row and column, the sum of every row and column will be 6. So let us start it. What I do, suppose I fill here 2, uh, 3, and a 5. Now for this, first of all, fill up this grid. Write another 6. 6, 7, 8. Okay. Now you start it from here. See, look here. These three digits I have written. I have left only 6, 7, 8. Now, if you see the sum, sum is 31. Now, try to fill this side. Here I will write 3. And let me write 5. Let me write 2. Fine. No repetition. Again, write down 6. 7. It is 6. Uh, no. 6 I cannot write because uh, I will have to write here 8. Because, uh, see, 8 is here. So, I will write it.

यहाँ सिक्स नहीं लिख सकते हैं, यहाँ हम सेवन लिख सकते हैं सेवन लिख देते हैं यहाँ एट आई कैन राइट ऑफ कोर्स देखो ये सेवन है इसी को आपने उल्टा सीधा कर देना है और देखते जाना है यहाँ सिक्स नहीं है देखो ये थ्री डिजिट्स आई हैव टेकन एंड ओनली दीज थ्री डिजिट्स आई एम रोटेटिंग ये थ्री डिजिट्स को मैं रोटेट कर रही हूं यहां मैंने ये यह लिख दिया है अब देखो सेवन मैंने क्या किया था इनका एक ग्रुप बनाया था सेवन एट सिक्स सेवन एट का उसी को रोटेट कर दिया अब एक ग्रुप इसका देखो अब लुक यहां कौन सी डिजिट नहीं आई है यहां फाइव नहीं आई है तो मी राइट हेयर फाइव अब फाइव के बाद इसमें कौन सी नहीं आई थी फिलहाल क्योंकि इस ग्रुप में से ये टू और यहां थ्री नहीं आई है और इस ग्रुप को फिल करो यहां कौन सी नहीं आई है सी लुकेयर ये सेकेंड ग्रुप दिस वॉज माई फर्स्ट ग्रुप एंड दिस वॉज माई सेकेंड ग्रुप ये सेकेंड ग्रुप था इसी ग्रुप को मैंने आपस में रोटेट कर दिया देखो ये फर्स्ट ग्रुप वन टाइम्स टू टाइम्स और ये टाइम्स एंड ग्रुप टाइम आ गया तो इस ग्रुप में जो बचा है यहां पर मेरे पास एट आना चाहिए इस रो में एट नहीं है यहां देखो यहां सिक्स नहीं था ठीक है और यहां सेवन नहीं था इफ यू विल सी दिस इज ऑफ कोर्स वेरी करेक्ट है अब यहां भी मेरे दो ग्रुप चल रहे हैं देखो वही दो ग्रुप जो मैंने यहां पर स्टार्टिंग में बनाए थे द सेम टू ग्रुप्स आर रहे यहां पर सी लुक हेर ये सिक्स सेवन एट है ये सिक्स सेवन एट के ग्रुप को मैंने रोटेट कर दिया नाउ आई एम गोइंग टू रोटेट दिस ग्रुप ये ग्रुप बचा है मेरा टू थ्री फाइव का आई वेम आई एम राइटिंग हेयर थ्री एंड आई एम राइटिंग हेयर टू देन फाइव क्योंकि ये थ्री फाइव थ्री टू का जो ग्रुप था इसमें थ्री यहां लिख दिया तो सी फाइव यहाँ नहीं आ सकता था क्यों क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए था क्या आ जाता फिर टू आ जाता ओके okay. अब मेरा देखो टू फाइव थ्री का ग्रुप आ गया अब ये वाला ग्रुप रोटेट करना है मैंने इस वाले ग्रुप में अगर इफ आई रोटेट तो मेरे को यहां लिखना पड़ेगा एट और यहां पर क्या बचा Six. यहां बचा सेवन दे ग्रुप दिस ग्रुप ग्रुप इस में अब यहां देखो क्या चीज नहीं आई है टू नहीं आई है और यहां क्या नहीं आया फ्री फाइव नहीं आया और यहां क्या नहीं आया थ्री नहीं आया तो दिस इज फेल्ड सो चिल्ड्रन सी फॉर दिस का जियोमेट्रिकेप्स हाउ आई एम गोइंग टू फिल इट वेरी क्विकली लेटमी राइट आर फॉर रेक्ट्राइंगल पी फॉर प्लस सी फॉर सर्कल ओ फॉर ओवल एस फॉर स्क्वे ट्राएंगल आई विलको बताया था यू मेक अ ग्रुप एक ग्रुप इसका बना लो अनदर ग्रुप इज ऑफ दिसट मी राइट आर पी सी ये लिखने दो एंड सपोज आई राइट ओ एस टी अब वॉट आई विल डू ये आर से आई है पी सी आर और यहां पर ओ से आई अब स्टार्टेड आई एम स्टार्टिंग विथ एस एस मीन्स सर्कल है एस सॉरी एस मीनस स्क्र है सी मीन्स सर्कल है एस टी ओ एंड हेर नेक्स्ट इज ये अब सी से स्टार्ट करूंगी मैं ठीक है आई एम स्टार्टिंग दिस विथ सी ये सी आर पी हो जाएगा और इसे मैं स्टार्ट करूंगी टी से टी ओ एस एग्जैक्टली सेम हुए आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पर ओ एस टी भी लिख सकते हैं अब ओ एस टी तो आ गया इसकी टर्न होगी हेयर यू कैन सो दिस इज द मैथड टू फिल देखो, आर का मतलब यहाँ ये यह लगा देना पी मीन्स ये लिख दो सी मीन्स ये फिल कर दो मीन्स आप ओवल फिल कर दो एस मीन्स आप स्क्वायर फिल कर दो सी इन साफ ट्राइंगल फिल कर दो एंड दिस वे यू विल बी एबल टू फिनिश दिस विद इन वेरी फ्यू मिनिट इट इज कम फॉर दिस ग्रिड नाइन बाई नाइन की ग्रिड ज्यादातर uh, देखी जाती है इस में सो हाउ आई एम फिलिंग दिस वेरी फास्ट सी वॉट वी हैव टू गिवन वी आर गिवन दीज नाइन डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये इसमें सारे के सारे नंबर फिल करने होते हैं एंड तो कहीं पर रिपीटिशन नहीं होगा नो रिपीटिशन विल बी देयर एनी वेयर इसी सुडो को कई टाइप के होते हैं एक तो ये भी होता है कि ये जो डायगेल है डायगनल का सम सेम होगा एंड ये कॉलम्स का सम सेम होगा तो एवरीवेयर नाउ फॉर दिस व्हाट आई डू इसमें भी हम क्या करते हैं ये थ्री बाई थ्री ये थ्री बाई थ्री ये जो थ्री बाई थ्री है इस थ्री बाई थ्री के ब्लॉक्स को आप हैंडल कर लो ठीक है दिस आई एम गोइंग टू हैंडल वन बाई वन सो एक्जैक्टली एज द प्रीवियस वन सपोज आई एम राइटिंग आई स्टार्ट विथ थ्री थ्री सिक्स नाइन मैंने लिख दिया है नो रिमेनिंग डिजिट आई एम राइटिंग कोई परेशानी आपको नहीं आएगी टू फाइव सेवन एंड वॉट मोर टू फाइव सेवन देन फोर क्या बचा फोर वन एट देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दिस इज ऑल ये पूरे आ गए ये आई हैव ओन और सपोज आपको कहीं पर कभी डिजिट गिवन भी होती है आपने देखा होगा सुडोकू में यू आर गिवन सम समिजिट देन ऑल्सो यू हैव टू फॉलो द सेम रूल नाउ दिस ग्रेड इज फिल्ड लेट लेटेस्ट ट्राई टू फिल दिस यहां पर यह लिख गया तो हेयर आई कैन राइट एनी डिजिट आई कैन राइट ऐसा कोई मेरे पास कंपल्सन नहीं कि यही मुझे लिखना है फाइव सेवन टू मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने इसका एक ग्रुप बनाया था और यहां से भी इफ यू राइट तो इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनी हियर आई विल राइट वन फोर एट एंड हियर हेयर आई विल राइट सिक्स नाइन थ्री नाउ कंप्लीट दिस देखो कौन सी डिजिट कौन सा विच ग्रुप इज लेफ्ट विद यू आपके पास बचा गया है थ्री फोर बचा हुआ है फोर नहीं आया है अभी तक सिक्स बचा हुआ है सिक्स नहीं आया था अभी तक एंड एट बचा हुआ है ये लिख दिए अब आ जाओ यहां पर देखो फोर सिक्स एट अब क्या नहीं आया था टू टू हम इस रो में लिख लिखे क्योंकि टू आ चुका है सेवन भी आ चुका है टू भी आ गया सेवन भी आ गया फाइव भी आ गया तो वो नहीं आएंगे एंड वन फोर एट भी आ गया वो भी नहीं आएंगे बचा क्या नाइन नाइन के बाद वोट इज लेफ्ट वोट इज लेफ्ट वन इज लेफ्ट नाउ नेक्स्ट वोट इज लेफ्ट आ, देखो क्या बचा हुआ है इस रो में थ्री बचा हुआ है ठीक है अब इसके लिए क्या बचा हुआ है प्लीज सी लुक एट वन टू नहीं आया है टू लिख दो सेवन नहीं आया है मी राइट सेवन एंड फाइव नहीं आया है इट्स ऑल देखो पूरा हो गया अब मैं अब मैं बताती हूँ इसको हेयर आई स्टार्ट विद देखो थ्री से क्या था ना अब मैं सिक्स से स्टार्ट करती हूँ सिक्स नाइन थ्री और यहां मैं किससे करती हूँ फाइव से फाइव सेवन टू मैं यहां करती हूँ वन से वन एट फोर ये सेकेंड नेक्स्ट ग्रेड भर दी अब नेक्स्ट के लिए वट आई विल डू मैंने किस से स्टार्ट किया सिक्स से नाउ आई स्टार्ट विथ नाइन नाइन थ्री सिक्स राइट और इसे मैं स्टार्ट करती हूं सेवन से सेवन टू फाइव और क्या बचा आप इसका बचाइए फोर वन एट एट से स्टार्ट करना मुझे एट फोर वन अब सी लुक लुकेर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कंप्लीट हो गई तो दिस इज द मैथड टू फिल दिस सुडोकू नाउ आई वॉन्ट टू फिल दिस नाइन बाई नाइन ग्रेड विद द हेल्प ऑफ दी दूमेट्रिक शेप टू बी वेरी फास्ट वॉट आई राइट आई एम राइटिंग सी फॉर सर्कल ओ फॉर ओवन एस फॉर स्क्वेर टी फॉर ट्राइंगल h for hexagon this is hexagon 6 sides are here and p for parallelogram this is a parallelogram m for multiplication st for star r for rectangle if i will do this my work will be very very convenient let me start with any of the color suppose i start with circle circle oval square then let me write hexagon say i am going to start with hexagon एक्जागन ट्राइंगल पी प्लस पैरलोग्राम ये जो लेटर्स हैं इफ आई विल यूज दिस माय वर्क विल बिकम वेरी वेरी कन्वीनियंट एम एस टी आर नाउ आर नाइन शेप्स देखो सर्कल ओवल स्क्वेयर स्क्जागन ट्राइंगल पैरलोग्राम दिस इज साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन स्टार एंड रेक्टेंगल ये सारे आ गए अब क्या करना है आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस लाइन आप इसको कम्प्लीट कर दो सारे डिफरेंट लिख के ये स्टार आ गया ये क्या आ गया ये रेक्टेंगल हो गया ये हेगैगन है ये ट्राइंगल है ये पेरलोग्राम है कोई भी रिपीटिशन नहीं इसी है सी लुक खेर अब आसान क्या होता है वोटेजी जी फिल दीज ग्रिड्स मैंने आपको बोला थ्री बाई थ्री की ग्रिड को फिल करोगे तो वो कन्वीनियंट होगा देखो लाइक यहाँ एच टीपी आ गया ना अब इस रो में एच टीपी तो कहीं पर नहीं आएगा तो क्या आ सकता है ये भी नहीं आ सकता दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल सो वोट इज पॉसिबल सी ओ एस इज पॉसिबल अब यहां पर सी ओ एस भी आ गया ठीक है एंड ये भी आ चुका तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी नाउ इन दिस रो फॉर दिस रो फाइंड आउट वोट इज लेफ्ट ओवर हेर दिस इज लेफ्ट ओवर हेयर सपोज आई राइट इट दिस ओनली आई कॉपी इट लेट मी कॉपी अब आप इस ग्रिड को स्टार्ट करो देखो लेट मे स्टार्ट विथ दिस ग्रो ग्रिड एंड यहां भी अभी छूटा हुआ है देखो यहां भी छूटा हुआ है इसी को लिख दो कहीं पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी आर अब पहले इस ग्रिड को कंप्लीट कर लेंगे देन इट विल बिकम वेरी कन्वीनियंट आई हैव स्टार्टेड सी नाउ आई विल स्टार्ट ओ ओ दिस इज एस सी हेयर आई हैव स्टार्टेड विथ एच आई विल स्टार्ट विथ टी टी एच टी पी लिखना पड़ेगा एच से काम नहीं चलेगा क्योंकि पी यहाँ आ जाएगा तो ये रिपीटिशन हो जाएगा टी पी हेयर एच एंड ये एच St टी से स्टार्ट करो स्टार एंड फिर ये रेक्टेंगल और ये साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन हेयर कौन सा बचा ये वाला बचा ये ग्रुप देखो थ्री का ग्रुप बनाया ना मैंने ग्रुप ऑफ थ्री हाँ नहीं थ्री थ्री तो फिल हो गए अब नाउ आई स्टार्ट लास्ट ग्रुप बचा एस ये ग्रुप है एस सी ओ आई एम राइटिंग और सेकेंड ग्रुप में से आई विल स्टार्ट विच टी थर्ड ग्रुप में से आई विल स्टार्ट विथ आर आर एंड एम एच टी नाउ इफ यू सी सी नो इज इधर कहीं पर भी कोई भी रिपीटिशन नहीं ये सी एच एम ओ टी एस ये स्टार है ये एस है और ये पी है नाउ आई विल कंप्लीट दिस एंड आई विल फेल यू आई विल शो यू सी लुक हाउ आई एम गोइंग टू फेल हाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट हेयर आई विल राइट दिस देन ये है ये दिस इज अ पेरलोग्राम यू कैन सी हाउ फास्ट इट इज दिस इज रेक्टेंगल एंड वेयर इज द प्लेस फॉर स्क्वेयर दिस इज द प्लेस फॉर स्क्वेयर दिस इज द प्लेस फॉर मल्टीप्लीकेशन साइन This is the place for star. This is the place for hexagon. And uh, this is the place for triangle. And now, uh, next row, if you see, uh, what is the place for oval? This is the place for oval. This is the place for circle. And uh, multiplication, sign of multiplication, where it is? It is here. Uh, this is the sign of multiplication. Where is my star gone? This is my star, and uh, where is next star here? Where is sign of multiplication? It is here. Where is my rectangle? Rectangle, rectangle is here. Circle. This is uh, no. It is circle. No, this is square. This is circle. Uh, where is my square? This is my square, and uh, the P. Where is my P? Means parallelogram. Here it is. This is my parallelogram. I will fill it. And uh, what next? Where is my triangle? This one is my triangle. And uh, where is my hexagon? This is my hexagon. Okay, now I will paste it and uh, this will be done.